नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी कार्डिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, सलाइवा डिफेक्ट कौन कौन से आते हैं और उनके आने के रीजन क्या होते हैं। तो गाइस चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो होता क्या गाइस कि जो हमारी कार्डिंग मशीन होती है कभी कभी जब आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है किसी भी रीजन से, तो जो हमारा सलाइवर प्रोड्यूस होता है उसके अंदर बहुत सारे फॉल्ट आने लगते हैं। तो वहाँ पे जो सलाइवर होता है उसकी लीनियर डेंसिटी भी वेरी कर सकती है, मतलब कम ज़्यादा हो सकती है और सारे दूसरे डिफेक्ट भी हो सकते हैं। तो हम नीचे कुछ सलाइवर डिफेक्ट बता रहे हैं और उनके रीजन बता रहे हैं, तो जो नॉर्मली आपके कार्डिंग प्रोसेस के दौरान क्रिएट होते हैं या अपियर होते हैं। तो गाइस मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो देखिए गाइस यहाँ पे वेरिएशन इन सलाइवर वेट फॉर यूनिट लेंथ मीन्स लीनियर डेंसिटी, मतलब जो पहला डिफेक्ट होता है और वो बहुत कॉमन डिफेक्ट होता है जो आपकी कार्डिंग प्रोसेस के अंदर आ सकता है, वो होता है आपका जो स्लाइवर का वेट पर मीटर होता है या वेट पर यूनिट लेंथ होता है स्लाइवर का, उसके अंदर वेरिएशन आने लगता है। स्लाइवर कभी मोटा हो जाएगा तो कभी पतला हो जाएगा। तो स्लाइवर का जो लीनियर डेंसिटी वेरी करता है तो उसके कुछ रीजन बताए हुए हैं मैंने। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो आपका स्लाइवर का वेट पर मीटर वेरी होता है, कभी कभी यदि आपका जो मैकेनिकल ड्राफ्ट होता है वो किसी भी तरीके से कम ज़्यादा होने लगता है, कोई भी यदि मशीन के अंदर प्रॉब्लम हो और आपका जो मैकेनिकल ड्राफ्ट है वो प्रभावित हो रहा है तो आपका स्लाइवर का जो वेट पर मीटर है या स्लाइवर की लीनियर डेंसिटी है वो प्रभावित होती है। और गाइस दूसरा रीजन होता है जो स्लाइवर की लीनियर डेंसिटी के वेरी करने का, वो होता है यदि आपकी जो कार्ड क्लॉथिंग है वो प्रॉपर रूप से या तो वर्क नहीं कर रही है या वो बॉर्न आउट हो चुकी है, मतलब खराब हो चुकी है। यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है कभी कभी, तब भी आपके कार्डिंग मशीन के ऊपर जो कार्डिंग का जो स्लाइवर प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर वेट पर मीटर वेरिएशन आने लगेगा, मतलब लीनियर डेंसिटी वेरी कर सकती है। और गाइस एक रीजन होता है आपका जो आपका फीड रोलर होता है, तो उसकी जो वेयरिंग्स वगैरह होती हैं यदि वो वॉर्न आउट हो जाएं, मतलब खराब हो जाएं, तो जो हमारी कांस्टेंट फीडिंग रेट होती है, मतलब एक रेगुलर फीडिंग होती है जो, वो नहीं हो पाती है कॉटन के मैट की या लैब की। तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो ड्राफ्ट होता है उसमें वेरिएशन आ जाता है। तो जब ड्राफ्ट में वेरिएशन आएगा तो वेट पर यूनिट लेंथ आपका चेंज हो जाता है स्लाइवर का, कभी कम हो जाएगा कभी ज्यादा हो जाएगा। मतलब जैसे आपकी वेयरिंग खराब हुई आपके फीड रोलर की, तो वो कभी तो सही चलेगा कभी उसमें जर्क लगेगा, तो आपकी जो पीछे से फीडिंग है वो आपकी प्रभावित होगी, तो जो आपका स्लाइवर है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा और आपका जो वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्लाइवर है या लीनियर डेंसिटी ऑफ स्लाइवर है वो प्रभावित होती है। तो और गाइस एक चीज और होता है कि हमारी कार्डिंग मशीन होती है उसके अंदर ऑटो लेबलर लगे होते हैं, तो जो ऑटो लेबलर लगे होते हैं तो उनका काम यही होता है कि जैसे ही यदि वो रीड करते हैं कहीं पर हमारी जो स्लाइवर की जो डेंसिटी है वो कम ज़्यादा हो रही है, तो वो रीड करते हैं और सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल यूनिट को, सेंट्रल यूनिट कार्डिंग मशीन को सिग्नल भेजती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ड्राफ्ट होती है वो कम ज़्यादा होती है, मतलब उसको ड्राफ्ट को एडजस्ट करता रहता है। तो यदि किसी भी रीजन से आपके ऑटो लेबलर की वर्किंग फेल हो जाती है तो आपके कार्डिंग मशीन के अंदर जो स्लाइवर की लीनियर डेंसिटी होती है वो प्रभावित होने की संभावना होती है, कम ज़्यादा आ सकती है। दोस्तों दूसरा जो फॉल्ट होता है कार्डिंग के अंदर वो होता है नैप जनरेशन, मतलब आपके कार्डिंग के अंदर जो स्लाइवर है उसमें नैप जनरेट होने लगते हैं। तो उनके जो रीजन होते हैं वो मैंने यहाँ पर कुछ रीजन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पहला रीजन होता है वो होता है कि जो आपका डॉफर होता है, तो डॉफर का काम होता है कि जो आपका कॉटन की जो वेव होती है उसकी स्ट्रिपिंग करता है। यदि आपका डॉफर सही रूप से काम नहीं कर रहा है तो आपके स्लाइवर के अंदर नेप्स जनरेशन की संभावना बढ़ जाती है, पहली बात। और दोस्तों दूसरा रीजन होता है कि जो आपकी अंडर केसिंग होती है कार्डिंग मशीन की, तो उसके अंदर यदि उसको सही तरीके से
प्रॉपरली और रेगुलरली क्लीन ना किया जाए तो आपके सलाइवर में नेप जनरेशन की पूरी पूरी संभावना होती है। और गाइस एक रीजन और होता है, वो होता है आपका जो फ्लैट टॉप की सेटिंग, मतलब जो फ्लैट टॉप की सेटिंग होती है, तो फ्लैट टॉप कहाँ पर लगा होता है, आपके सिलेंडर के ऊपर लगा होता है, जो मेन सिलेंडर होता है, तो फ्लैट टॉप और मेन सिलेंडर के बीच में जो क्लियरेंस होता है, वो जो सेटिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि वो प्रॉपर सेटिंग नहीं है तो आपके सलाइवर के अंदर नेप जनरेशन हो सकता है। और गाइस एक चीज और होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका वेस्ट होता है वो एक्युमुलेट होता है अंडर केसिंग के अंदर, और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उस वेस्ट को निकाला नहीं, या कोई आपका मैकेनिकल डिवाइस वगैरह लगी है वेस्ट निकालने की, उसने काम नहीं किया, तो क्या होगा कि वहां पर चोकिंग हो जाती है, अंडर केसिंग चोक हो जाती है। तो चोक होने से क्या होता है कि आपके सलाइवर के अंदर नेप जनरेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। गाइस तीसरा डिफेक्ट होता है सलाइवर का, वो होता है होल्स और पैचेस इन द कार्डिंग वेव। जो हमारी कार्डिंग वेव निकल के आती है उसके अंदर या तो पैचेस जाने लगते हैं या होल आने लगते हैं। तो होल का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, और पैचेस का मतलब ये होता है कि जो कार्डिंग की वेव होती है उसके अंदर जो फाइबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इवन नहीं होता है, कहीं पर ज्यादा फाइबर होंगे वेव में, कहीं पर कम होंगे, तो उसको हम बोलते हैं पैचेज। तो पैचेज बनने के कुछ रीजन मैंने बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो जो पहला रीजन होता है गाइस कि आपका जो कॉटन के फाइबर हैं तो उनकी स्ट्रिपिंग फ्लैट टॉप से सही से नहीं हो पा रही है, तो आपके कार्डिंग वेव के अंदर पैचेज या होल आने की संभावना बनी रहती है। और दूसरा रीजन होता है गाइस, वो भी देख लीजिए आप, यदि आपकी जो फ्लैट टॉप होता है तो उसके जो वायर क्लॉथिंग होती है यदि वो या तो डैमेज हो जाए या बेंड हो जाए, तब भी आपके वेव के अंदर पैचेज आ सकते हैं, होल आ सकते हैं। और तीसरा जो रीजन होता है कि जो हमारा मेन सिलेंडर होता है तो उसके जो वायर क्लॉथिंग होती है तो वो यदि वॉर्न आउट हो जाती है या वो बेंड वगैरह हो जाए, डैमेज हो जाए, तब भी हमारे कार्डिंग वेव के अंदर पैचेस और होल्स आने की संभावना बनी रहती है। तो ये जो तीन टाइप के डिफेक्ट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं और बहुत कॉमन भी होते हैं, तो गाइस हमें ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीजों का। तो गाइस मैंने आपको बताया कि हमारे कार्डिंग मशीन के अंदर कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, सलाइवर डिफेक्ट क्या होते हैं और उनके रीजन क्या होते हैं। तो गाइस देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।